सबसे जरूरी जिंदगी में क्या है ये सुनो आज. What is most important in your life? अगर तुम एक बेहतरीन जीवन जीना चाहते हो, तुम अगर एक बेहतरीन जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, इस कहानी को सुनो और समझने की कोशिश करो और इसको अपने जीवन में उतारो कि सबसे जरूरी क्या है. एक व्यापारी था, वह बहुत छोटे से अपना व्यापार शुरू किया. बहुत संघर्ष कर उसने अपने व्यापार को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया. लेकिन जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उसकी पत्नी की कैंसर से मौत हो गई और उसका बेटा एक्सीडेंट में घायल हो गया. उसके कंपनी का व्यापार नीचे जाने लगा, उसका शेयर मार्केट गिरने लगा, उसका सब कुछ नीचे जाने लगा. टर्नओवर, मैन्युफैक्चरिंग सब नीचे जा रहा था. उसके जिंदगी के सबसे बुरे दिन शुरू हो चुके थे. वो संघर्ष कर रहा था व्यापार में, व्यक्तिगत जीवन में वो संघर्ष कर रहा था. वो अपने आप को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं बना पा रहा था. एक दिन वो मॉर्निंग वॉक करने के दौरान अचानक बैठ गया और रोने लगा कि मैं क्या करूं, मैं खत्म हो रहा हूं. एक व्यक्ति सूट बूट में वहां से गुजर रहा था. उसने कहा, हे जेंटलमैन, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, कोई बात नहीं. दूसरा दिन फिर वो वॉक करके आया, उसी जगह बैठा और रोने लगा. उस व्यक्ति, वह सूट बूट वाला व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति था, इंडस्ट्रियलिस्ट लगता था, बहुत बड़ा उद्योगपति लगता था वो, उससे पूछा, है तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मैंने बचपन से बहुत मेहनत की, मैंने अपने व्यापार को बनाया, मैंने जिंदगी को कामयाब बनाया. 6 महीने पहले मेरी पत्नी की कैंसर से मृत्यु हो गई, मेरा बेटा एक्सीडेंट में घायल हो गया, मेरी कंपनी नीचे जा रही है, आज मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपने स्टाफ को सैलरी दे सकूं, मैं बिल्कुल नीचे गिर रहा हूं, खत्म होने की कगार पे हूं, मुझे 5 करोड़ रुपए की जरूरत है, मैं कहां से लाऊं? वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने पॉकेट से चेक निकाला, उसको काट के चेक दे दिया 5 करोड़ का, ये लो, जब तुम्हारी जिंदगी में अच्छे समय आए तो मुझे वापस कर देना, लेकिन इसको खर्च मत करना, इसको इन कैश मत करना, खर्च मत करना, तब तक मत करना जब तक सबसे खराब दिन ना आ जाए. वो घर गया, वो चेक को अपने अलमारी में रख दिया. सुबह सुबह वो चेक निकालता और देखता कि मेरे पास 5 करोड़ तो है, बहुत खराब समय आएगा तो इसको कैश करूंगा, इसको ना बैंक में डालूंगा जब खराब समय आएगा तो. वो रोज सुबह एक्साइटमेंट के साथ काम करने जाता था, रोज सुबह एक्साइटमेंट के साथ काम करने जाता था और काम करके आता था. रोज सुबह एक्साइटमेंट के साथ जाता था, रोज सुबह सुबह उस चेक को देखता था, रोज सुबह उस चेक को देखता था और काम करने जाता था. रोज सुबह जाता था, डेली वो ऐसा करने लगा. 1 साल के अंदर उसका व्यापार सही हो गया, उसका टर्नओवर बढ़ गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, उसकी कंपनी में अच्छे दिन वापस आ गए, फिर उसको मुनाफा होने लगा. फिर वो चेक निकाला और उस व्यक्ति को वापस करने के लिए उसी पार्क में गया, उस व्यक्ति को ढूंढता रहा, इधर उधर 2-4 दिन ढूंढता रहा, वो व्यक्ति उसे मिला नहीं. फिर वो किसी से पूछा, यहाँ एक बुजुर्ग उद्योगपति आते थे, उन्होंने मुझे 5 करोड़ रुपए का चेक दिया था, उन्हें वापस करना था, बताओ कि कहाँ है? उस व्यक्ति ने बताया कि वो तो पागल था, सबको चेक बांटता रहता था, वो तो एक दिवालिया उद्योगपति था जिसकी कंपनी डूब चुकी थी, वो पागल हो चुका था, सबको चेक बांटता रहता था बिना मतलब का. एक फेक चेक ने, एक झूठे चेक ने एक व्यक्ति को फिर से जीवन दान दे दिया, उसके अंदर एक्साइटमेंट भर दिया. जिंदगी में सबसे जरूरी है एक्साइटमेंट, सबसे जरूरी है एंथुजियाज्म. जिस दिन तुम एंथुजियाज्म को खो देते हो, गिर जाना, टूट जाना, बिखर जाना और फिर से बन जाना, यही तो जिंदगी है. आप समाप्त हो जाते हो बिल्कुल, सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में खत्म हो जाता है, फिर से तुम अपने आप को बनाते हो, फिर से तुम अपने आप को उठाते हो, इसी का नाम तो जिंदगी है. बिखर कर रो लेना, झूठे झूठे स्टेटस लगाना, दूसरों के बारे में सोचना, आगे टूट कर बिखरना कोई बात नहीं है, बिखर जाओ, फिर से बन जाओ, फिर से वापस आओ. जिंदगी को ऐसा बना जिंदा दिल साध तू, तू रहे ना रहे दुनिया को रहे याद तू. वाह, इसी का नाम जीवन. सबसे जरूरी बच्चों, जीवन का जरूरी एक्साइटमेंट, अपने अंदर से एक्साइटमेंट को कभी गिरने